बात करते हैं कृषि रसायन एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड की। मृदा और फसल की सुरक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली इस कंपनी की स्थापना सन 1972 में स्वर्गीय श्री परमानंद चूड़ीवाला और श्री लखपत राय अग्रवाल की साझेदारी में हुई। मुजफ्फरपुर में कीटनाशक बनाने वाले एक छोटे से संयंत्र से कंपनी शुरू किया, जो आज देश में कृषि रसायन बनाने वाली सबसे पुराने संयंत्रों में से एक है। कृषि रसायन एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड समय के उतार चढ़ावों के बीच लगातार बढ़ती रही है। इतने लंबे अंतराल में कंपनी 2 BHC फॉर्मुलेशन यूनिट से शुरू करके लगातार सुधार, विकास और बाजार में आते बदलावों को ध्यान में रखते हुए खुद को बदलकर आज कृषि रसायन में बड़े नाम की तरह स्थापित हो चुकी है। एक नई शुरुआत हमेशा सही मंशा और प्रतिबद्धता मांगती है। पथ प्रदर्शक सही समय की प्रतीक्षा नहीं करते, बल्कि समय को अपने अनुकूल ढाल लेते हैं। कृषि रसायन एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापकों का सपना, दूरदृष्टि, नई सोच और देश निर्माण का एक शानदार उदाहरण है। बात सन 1972 की है, जब स्वर्गीय श्री परमानंद चूड़ीवाल और श्री लखपत राय अग्रवाल ने मिलकर भागीदारी में ये कंपनी शुरू की, जो फसल और मृदा बचाव के समाधान के क्षेत्र में काम करने जा रही थी। मेरे पिताजी का शुरू का बिजनेस राइस मिल का था, जो उन्होंने 1960 में उड़ीसा में लगाया था और फिर बिहार में उन्होंने फ्लार मिल लगाई आटा का। तो उनका सब जो कॉन्टैक्ट होता था किसानों से होता था, या जो भी मटेरियल आता था वो देखते थे कि जो क्वालिटी ऑफ राइस है या क्वालिटी ऑफ वीट उस समय आता था, बड़ा खाया हुआ रहता था, कीटनाशक से भरा हुआ रहता था। और मेन प्रॉब्लम जब किसानों से बात करते थे समझ में आता था कि कीटनाशक के कारण आधा क्रॉप या 70% क्रॉप खराब हो जाता था। और उस समय कीटनाशक भारत में कोई बनाने वाला नहीं था, कोई इंसेक्टिसाइड एक्ट भी नहीं था। 1971 में इंसेक्टिसाइड एक्ट आया, याद होगा कि 1950-55 में हम PL-370 अमेरिका से भीख मांग के लाते थे। तो उन्होंने एक बड़ी जिज्ञासा थी कि कैसे किसानों का उत्कर्ण किया जाए, उन्हों को कैसे ऊपर किया जाए। तो यही प्रेरणा से मेरे पिताजी ने 1972 में मुजफ्फरपुर में मिस्टर अरियल अग्रवाल के संग पार्टनरशिप में उन्होंने ये काम चालू किया। मुजफ्फरपुर की इस छोटी सी यूनिट से शुरू करके कृषि रसायन एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने देश भर में किसानों को मजबूत करने और कृषि रसायन व्यापार के क्षेत्र में पथ प्रदर्शक पहल की। हमारा मोटो ये है, फार्मर्स प्रॉस्पेरिटी आर प्रायोरिटी। तो यही है कि जब तक अगर किसान खुशहाल रहेगा तो उससे हमारी भी ग्रोथ रहेगी। हमारा यही मोटो है कि किसानों की जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो भरपूर किया जाए और उनका क्रॉप कैसे बढ़ाया जाए। ये कंपनी लगातार विकास कर रही है और अपने अनेक उत्पादों से किसानों को बेहतर उत्पादन करने में मदद कर रही है। इसमें ये चैलेंज था कि बहुत सी कंपनियां थी, कई सेम चीज़ अलग अलग नाम से बेच रहे थे। तो हम लोग को ये लगा कि जब तक स्ट्रॉन्ग ब्रांड नहीं बना पाएंगे तब तक आप किसान उस चीज़ को जब तक मांगेगा नहीं तब तक आपकी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बढ़ेगी। तो इसलिए हमने अपने प्रोडक्ट का ब्रांड अलग किया और प्राय शुरू में नाम किया क्रीसे, जैसे कृषि रसायन है तो क्रीसे। उसके बाद सब चीज़ में कृषज डालेंगे। आज के दिन हमारे जो प्रोडक्ट है सभी तरह के क्रॉप में जाते हैं। नई स्थितियों के हिसाब से ढलते रहना KREPL की सफलता का बड़ा राज है और कंपनी ने इस बात का ध्यान रखा है कि वो लगातार विकास करती रहे। इस कारण कंपनी ने ऑर्गेनिक फार्मिंग और टिश्यू कल्चर G9 संयंत्रों के क्षेत्र में भी कदम बढ़ाए हैं। आज के दिन हमारा जो सॉइल है, आज की मिट्टी है, केमिकल लेने के बहुत खराब हो गई है। तो कुछ जैविक डालने से मिट्टी भी बेटर होती है। तो जो हमने कब जैविक कुछ प्रोडक्ट्स बनाने चालू किए अपने रेंज में, तो ये लगा कि एक जो खुद की खेत होने चाहिए जहां हम ट्रायल कर सके कि उससे केमिकल पेस्टिसाइड डाले और जैविक पदार्थ डाले तो क्या फ़र्क आता है। हम लोग खुद भी सीखेंगे कि हमारे पदार्थ कैसे कर रहे हैं और उससे कैसे ईल्ड क्या होती है और क्या बेटर होता है, क्रॉप खाने में कितना बेटर होता है, वो भी एक सीखने मिलेगा। देश में खेती ये सब हो रही है पुराने पद्धति से हो रही है, तो ये टिश्यू कल्चर जो है ये नया एक अलग टेक्नोलॉजी है। तो हमको लगा कि ये एक अलग लाइन है जिसमें किसानों को और हम अलग नया वैरायटी नए चीज़ दे सकते हैं, जिससे उनको उस तरह के फ्लावर्स या उस तरह के बनाना या उस तरह के फल मिल सके जो विदेशियों से हमको इंपोर्ट करना पड़ता है। और G9 वैरायटी जो सबसे पॉपुलर है, आज हम लोग 30 लाख प्लांट बना रहे हैं साल का। तो फर्स्ट फेज में हम इस साल 30 लाख पहुंच जाएंगे एंड देन हमारा ये है कि उसको अलग अलग हाई वैल्यू फ्लावर्स एंड फ्रूट्स में डाइवर्सिफाई करें। आज उत्पादन के छठे दशक में पहुंचने के बाद कंपनी एक सोची समझी योजना के तहत
सीड्स नाम की एक नई पहल को अंजाम दे रही है, जिसकी अगुवाई परिवार की तीसरी पीढ़ी के सदस्य वंदन चूड़ीवाल कर रहे हैं। 4 साल पहले हमारे को एक तो ये सोच आई कि बंगाल जो देश का सबसे ज़्यादा आलू चास होने का स्टेट है, उसमें हम बीज क्यों नहीं बना रहे हैं। तो यही सोच के पीछे हम लोग ने बहुत काम किया, काफ़ी साइंटिस्ट को हम लोग ने बंगाल में बुलाया और 3 साल में हम लोग ने अराउंड 200 टन की आलू की बीज यहाँ पर ग्रो किया है। अभी हमारा जो पहुँच हो गया है पूरे देश में, आपका फल, आपका सब्जी और धान के बीज में, पश्चिम इंडिया में ऐसा कोई भी अभी कंपनी नहीं होगा कि जितना बीज पश्चिम इंडिया में बन रही है, हम उसमें नंबर वन में अभी आएंगे। देश की जड़ों और उसके किसानों को मजबूती देने के निश्चित लक्ष्य से प्रेरित कृषि रसायन एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड अब विकास के एक नए अध्याय की शुरुआत कर रही है, जहां पुरानी पीढ़ी का ज्ञान और नई पीढ़ी के उत्साह का मिलन हो रहा है। लास्ट 5 सालों में हम लोग ने 3 नया प्लांट खोला है मेन गुजरात में। हम लोग जो रसायन की केमिकल चाइना से इम्पोर्ट करते हैं, उसके लिए हम लोग ने 100 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट की है दहेज की गुजरात में। अगले 2 साल में हम लोग और 250 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने चाह रहे हैं गुजरात में। और इसी को नज़र रखते हुए हमारी जो पूरी रसायन की रॉ मटेरियल है, हम चाह रहे हैं कि सिर्फ हमारी कंपनी कृषि रसायन पूरे देश में सभी जितने भी केमिकल की रॉ मटेरियल्स हो, हम लोग अगले 5 साल में ये बनाए। कई राज्यों के हजारों खुशहाल किसान कृषि रसायन एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की सफलता का जीता जागता प्रमाण है। देश की जड़ों को मजबूत करने के इरादे से प्रेरित कंपनी एक के बाद एक लक्ष्यों को प्राप्त कर रही है।